नमस्कार दोस्तों, बिंदिया प्लस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन के चिल्ले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बेसन के चिल्ले। एक कप हमने बेसन लेना है, एक प्याज को बारीक काट कर लेना है, टमाटर लेना है बारीक काट कर, आधा कैप्सिकम लेना है, दो हरी मिर्च लेनी है, धनिया पत्ता लेना है, एक लेमन जूस लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, अजवाइन लेंगे, ऑयल लेंगे, बैटर बनाने के लिए पानी चाहिए। सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन को डालेंगे। अब हम उसमें प्याज डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, अब हम अजवाइन को हथेली से मसल कर डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़िया हो जाए, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, एक नींबू का जूस डालेंगे, अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अभी और थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। और एक बीटर की सहायता से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि बैटर हमारा एकदम लाइट हो जाए। बैटर लाइट होने से हमारे चिल्ले एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। ये अब रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम ठीक है। अभी हम इसके चिल्ले बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसे हमने ऑयल से ग्रीस करना है। नॉनस्टिक जब हमारा गरम हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम फ्लेम को धीमी करके उसमें बैटर डालेंगे। बैटर को अच्छे से हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे।
अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम एक से डेढ़ मिनट तक नीचे की साइड से हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे। एक से डेढ़ मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छे से हमारे चिल्ले पर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं, अब नीचे की साइड से भी हम इसे एक से डेढ़ मिनट कुक होने देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी डालेंगे हम। एक से डेढ़ मिनट हमारे हो गए हैं, इसे हम पलट लेंगे। आधे मिनट हमने इसे और कुक करना है। रेडी है हमारा चिल्ला एकदम बढ़िया। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा चिल्ला बना लेंगे। सेम मेथड से ऑयल डालेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। आधा मिनट और पकाएंगे अच्छे से। ये पककर रेडी है। इसी तरह से हम सारे चिल्ले बनाकर रेडी कर लेंगे। पलट लेंगे अच्छे से। ये हमारे सारे चिल्ले बनकर एकदम रेडी हैं। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो दोस्तों, रेडी है हमारे बेसन के चिल्ले। हमने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे मिंट की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं एक फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।